हम लोग जर्मन एम्बेसी के बाहर 2 दिन से बैठे हुए जर्मन एम्बेसी डे को मिलने के लिए। मैं भावेश और रिया की मासी, पुलिस आई है अभी आके हम खड़ी है साइड में, अभी पता नहीं क्या करने वाले हमारे साथ। हम शांति से बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमको जर्मन एम्बेसी डे को मिलना है, क्योंकि कल हम जर्मन एक ऑफिसर से मिले, उन्होंने बोला कि अरे आपको इंडिया नहीं भेज सकते क्योंकि क्योंकि उसको जर्मनी में जर्मन कोर्ट के पास ऑप्शन होना चाहिए कि उसको जर्मनी में अडॉप्शन के लिए रखा जाए। क्यों? अरे एक इंडियन सिटीजन है, मेरे बच्चे को उनको अडॉप्शन के लिए क्यों रखना है? वो एक इंडियन सिटीजन है, उसको इंडिया क्यों से नहीं भेजना है? नहीं चलेगा, हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है, प्लीज सपोर्ट अस। हमारे साथ कुछ हो तो भी बच्चे के लिए आपको फाइट करना है, बस हमारी बच्ची को बचाना है। हमने भारत सरकार से गुहार लगा दी, जर्मन सरकार से भी गुहार लगा दी, अभी हमें सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट है, प्लीज हेल्प अस। हम मैं यही डटी रहूंगी, मेरे बच्ची को लेके जा रहे हैं ये लोग किसी जर्मन परिवार को अडॉप्शन में देने के लिए, मैं नहीं सहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। मैंने मेरी बच्ची इन लोगों को देने के लिए नहीं लाई है, मैं 13 महीने से फाइट के लिए लोग कोई जर्मन परिवार को अडॉप्शन में देने दे दे उसके लिए नहीं कर। वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, उसको यहाँ पूरा परिवार है, पूरा समाज है जो उसको रखने के लिए रेडी है, तो उनको क्यों जैन परिवार को नहीं देना है, इंडियन परिवार को नहीं, जर्मन परिवार के पीछे क्यों पड़े? हम यहाँ जर्मन एम्बेसी के सामने बैठे हैं 2 दिन से, पुलिस आई है, हमारे साथ क्या होगा पता नहीं। आप सब बने रहिए हमारे साथ, और आप सब सब जगह से ट्वीट कीजिए, चिट्ठियां लिखिए जर्मन एम्बेसी को, वहां से आप लोग वीडियो बनाए कि आप सपोर्ट में खड़े हैं, आप जहाँ भी है दिल्ली में हो, यहाँ के आसपास है तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे नहीं है तो दूर से वीडियो बनाए। जर्मन एम्बेसडर, जर्मन डिप्लोमेट्स, जर्मन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, सबको टैग कीजिए, जर्मनी रिटर्न अरिहा, जर्मनी रिटर्न अरिहा।